हेलो दोस्तों, मैं रामदेव आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज गुरुजी पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो, अभी HSSC ग्रुप सी या ग्रुप डी सोशो इकोनॉमी के नंबर को लेकर भी जो एक बार खत्री साहब ने यानी जो बयान दिया था उसमें काफ़ी सारे जो डाउट थे तो वो अब क्लियर हो गए हैं, क्योंकि वो जो बयान था उनका भाई सरासर गलत था। और अब क्या है भाई, बड़ा फैसला उस पर कर दिया गया है भाई, किस में नंबर आपको मिलने वाले हैं किस में नहीं। और हरियाणा पुलिस भर्ती को लेकर भी बड़ी अपडेट यहां पर न्यूज़पेपर के अंदर आई है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो ये है भाई मामला, आपका 5 अंक लेने का विकल्प देगा, यानी कोई जो कैंडिडेट है वो ग्रुप डी में 5 नंबर लेना चाहता है या ग्रुप सी में, तो उसको भाई विकल्प दिया जाएगा भाई आपको कौन से में 5 नंबर लेने हैं, आप डी में लेना चाहते हैं या आप सी में लेना चाहते हैं। इस प्रकार का जो मामला भी एक ही बार अंक मिल पाएंगे, क्योंकि चेयरमैन साहब ने भी पीछे पता नहीं भाई न्यूज़पेपर वालों ने गलत छापा था या चेयरमैन साहब ने वाक्य में ये बात बोली थी भी हम ग्रुप डी में विचार कर रहे हैं भी नंबर ले और उसको फिर हम डी में न काटें, इस प्रकार की जो बातें थी। तो ये बातें भी आप सभी को पता भी होने वाली नहीं थी, क्योंकि पहले से नोटिफिकेशन के अंदर ये बात डाली गई है भाई एक ही बार बेनिफिट ले सकता है परिवार के अंदर। लेकिन भाई परिवार के अंदर की बात की जाए तो काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो भी दो दो बार भी बेनिफिट परिवार के अंदर ले रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार की बातें हैं। तो ग्रुप डी का रिजल्ट घोषित करने से पहले वेरिफिकेशन करेगा भाई क्या मामला रहेगा यहाँ पर। 4 गुना यानी लगभग 50-52 हज़ार जो टॉप के कैंडिडेट हैं उनमें से अंक क्लेम किए हैं उसमें वेरिफिकेशन करेगा भाई, उसके बाद में आपका सीधा चयन कर दिया जाएगा, या तो भाई ग्रुप सी में लेगा या ग्रुप डी में। और ग्रुप डी का जो सीटी है उसकी तैयारी भाई पूरी कर दी गई है, अब देखते हैं मामला क्या है। और जो ग्रुप सी वाला मामला आप सभी को पता भी, मेन बात इसमें यही थी आपका जो सोशो इकोनॉमी के नंबर है वो अब एक ही एग्ज़ाम में ले पाएंगे, या आप डी में ले सकते हैं या आप सी में ले सकते हैं। और ये है भाई आपका हरियाणा पुलिस सिपाही सब इंस्पेक्टर भर्ती में नॉलेज टेस्ट पूछे जाएंगे 100 सवाल। यानी भाई कल कुछ मामला अलग न्यूज़पेपर के अंदर आ रहा था, आज कुछ अलग है। और इसमें बोल रहे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और पहले बोल रहे थे भी नेगेटिव मार्किंग है, तो इस प्रकार का मामला है भी। नॉलेज टेस्ट का आप सभी को पता है भी इस बार क्या क्या इसमें लिए जाएंगे। तो FIR अगर आपके नाम दर्ज है तो भाई आप इसमें भर्ती में अयोग्य होंगे। और जो 90 अंक का है, यानी जो पहले 0.8 का होता था, अब ये 0.9 का जो आपका है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई। हरियाणा से जुड़े सवाल शामिल करने का प्रस्ताव, यानी भाई हरियाणा पुलिस की भर्ती है तो हरियाणा से जुड़े सवाल उसमें होने ही चाहिए, कारण आप सभी को पता है भाई यही तो एक मौका होता है जो हरियाणा के युवाओं को थोड़ा सा अलग यहां पर दर्शाता है। लेकिन भाई इस प्रकार अगर किया जाए ना भाई, हमें हरियाणा से जुड़े पर्सन इसमें शामिल नहीं करना चाहते, तो भाई आप सभी को पता है बाहर वाले जो कैंडिडेट हैं वो और हरियाणा के जो कैंडिडेट उनमें समान जो कंपटीशन है यहाँ पर बचता है। और ये भाई 5 नंबर जो बाहर वालों को देने का मामला भाई ये थोड़ा सा इनका गलत है, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो युवा है बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। अगर बाहर किसी स्टेट में जाते हो ना आप, तो हो सकता है आपको भर्ती के अंदर एंट्री ना दें, फार्म भरने का मौका ही नहीं दिया जाता बाहर के जो कैंडिडेट है, काफ़ी सारे स्टेट ऐसे हैं। और हमारे यहाँ पर भाई उनको नौकरी बांटी जा रही है, 5 नंबर लो भाई, आओ 5 नंबर ले लो। तो इस प्रकार की बातें हैं, वो हरियाणा सरकार को सोचनी चाहिए, क्योंकि जो हरियाणा के युवा है वोट भाई हरियाणा सरकार को लेने हैं तो हरियाणा से ही लेने हैं, ना कि भाई जो दूसरे स्टेट के जो हैं कैंडिडेट हैं उनसे वोट लेने हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं भाई, हरियाणा के जो युवा है ना उनको स्पेशल अलग से बेनिफिट मिलना चाहिए इसके अंदर। और जो बाहर के युवा यहाँ पर सिलेक्शन लेते हैं ना उसमें कुछ इनका होना चाहिए 2-5% भाई, इतने ही कैंडिडेट यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर भाई कोई रोक टोक नहीं है, इस वजह से बाहर वाले कैंडिडेट भी इसके अंदर भाई एंट्री कर जाते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।